मॉर्निंग वेस्टिजियन, मैं मनीष वत्स आपका स्वागत करता हूँ कृषि ज्ञान पावर्ड बाय वेस्टिज एग्री के 90वें एपिसोड में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम इस सीरीज में बात करते हैं कि कैसे आप अलग अलग फसलों में एक वेस्टिज के एग्री के प्रोडक्ट इस्तेमाल करके अपनी खेती बढ़ा सकते हैं, अपना लेवल बढ़ा सकते हैं, अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई फसल के साथ। आज हम बात करेंगे एक मेन दाल वाली फसल के बारे में जिसका नाम है अरहर की फसल। तो अगर आपके आसपास के क्षेत्र में अरहर लगाई जा रही है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, शेयर करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है और अपने देश में अलग अलग क्षेत्रों में लगाई जाती है और मेन फसल है ये, काफ़ी किसान इसकी खेती करते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि अरहर की फसल में आप कैसे वेस्टिज के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसान करते क्या है, कोई भी फसल लगाने से पहले वो आपका खेत तैयार करते हैं। तो बात करते हैं पहले स्टेप के बारे में, सॉयल एप्लीकेशन बिफोर सोइंग। अगर आप बीज लगाने से पहले खेत तैयार कर रहे हैं तो वेस्टिज का कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जिससे आपकी मिट्टी बढ़िया हो जाए, बेहतर हो जाए और वो पोषक तत्वों को लंबे समय तक बांध के रखे, रोक के रखे। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा सॉयल एप्लीकेशन। इसे में वेस्टिज के दो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस्तेमाल कर सकते हैं वेस्टिज एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल, जिसकी डोज रहेगी 5 से 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से। ये क्या करेगा, आपकी खेत की मिट्टी की उर्वरा क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा, उसकी वो भुरभुरी बनाने में मदद करेगा। दूसरा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं वेस्टिज एग्री एक्वाजल, जिसकी मात्रा रहेगी 1 से 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से। ये प्रोडक्ट करता क्या है, पोषक तत्वों को लंबे समय तक बांध के रखता है, नमी को बचा के रखता है, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपनी सिंचाई की लागत को कम कर सकते हैं, पोषक तत्वों के खर्चे को कम कर सकते हैं, उसकी लागत को आप कम कर सकते हैं। तो अगर आपके आसपास के क्षेत्र में भी अरहर की फसल लगाई जा रही है और किसान अभी खेत तैयार कर रहे हैं तो आप इस टिप को शेयर करके उनको बता सकते हैं, उनको जानकारी दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको टिप समझ में आएंगे, आप इनको शेयर करेंगे अपनी टीम के साथ, अपनी डाउनलाइन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ।